आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। हिसार में आज भगवान परशुराम सेवा समिति के द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जनरल देवेंद्र पालवत्स को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर हिसार में लड्डू बांटकर और पटाखे जलाकर खुशी जताई गई। आज परशुराम सेवा समिति के द्वारा हिसार के नागौरी गेट पर लोगों को लड्डू बांटे गए और पटाखे जलाए गए। समिति के प्रधान और संरक्षक ने बताया कि जनरल देवेंद्र पाल वत्स साफ छवि के इंसान हैं और आज तक किसी भी भर्ती को लेकर उन पर किसी भी प्रकार का कोई दाग तक नहीं है और जनरल देवेंद्र पाल वत्स को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर पूरे हिसार और उनके गाँव में खुशी की लहर है और आगे भी वो देश और अपने गाँव के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। हिसार वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि बीजेपी सरकार ने जनरल देवेंद्र पाल वत्स जैसे इंसान को राज्यसभा का सदस्य चुना है। आज भगवान परशुराम जन सेवा समिति द्वारा एक जनरल डीपी वत्स जी को राज्यसभा के मेंबर की नियुक्ति मिलने के लिए खुशी में लोगों ने पटाखे जलाए, मिठाई बांटी है। जनरल डीपी वत्स किसी जाति बिरादरी के नहीं, वो छत्ती बिरादरी के व्यक्तित्व के धनी है। जब भी उन्होंने कोई काम किया है, पहले HPSC के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद पर रहकर पहली बार हरियाणा में रिकॉर्ड कायम किया कि उनके द्वारा की गई नियुक्ति न ही कोई कोर्ट में चैलेंज हुई और न ही किसी विवाद में आई और सभी की ईमानदारी से जो बच्चे मेरिट में उनकी हुई। आज बड़ा खुशी महसूस होती है कि वह राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा के अंदर जाके भी जैसे उन्होंने पूर्व में जो अपने काम किए हैं उसी भांति काम करेंगे, देश का और प्रदेश का और अपने गांव का और जिले का नाम रोशन करेंगे। हम उनके कार्य को सलाम करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जनरल देवेंद्र पाल वत्स जल्दी हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जनरल वत्स का चुना जाना लगभग तय था और उनका चुनाव निर्विरोध होने की भी उम्मीद है। 6 अप्रैल 1950 को हिसार जिले के नारनौंद इलाके के थुरना गांव में जन्मे जनरल जो कि सेनानिवृत्त हो चुके हैं, डीपी वत्स एक डॉक्टर हैं और पुणे स्थित प्रतिष्ठित आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC के कमांडर और निदेशक भी रह चुके हैं। जनरल वत्स ने रोहतक PGIMS से डॉक्टरी की है और 1975 में सेना में वो चुन लिए गए थे। उसके बाद 1982 में उन्होंने AFMC से MS ऑप्टोलमोलॉजी भी की है। उन्हें साल 2011 में परम विशिष्ट सेवा पदक का सम्मान भी मिल चुका है। जनरल वत्स को 2003 में सेना पदक, 1999 में विशिष्ट सेना पदक समेत कई सम्मान हासिल हैं। जनरल देवेंद्र पाल वत्स को भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में मई 2011 में हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का पद भी सौंपा गया। वे भारतीय सेना के लगभग सभी प्रमुख अस्पतालों में बड़े पदों पर रह चुके हैं। जो भाजपा ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और क्योंकि एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति को उन्होंने चुना है और ऐसे बड़े ऑफिसर भी रहे हैं जनरल वत्स, जो है इनको बहुत से मेडल मिले हैं और HPSC के चेयरमैन भी रहे हैं और अपना ईमानदारी का परिचय देते हुए बड़े अच्छे उन्होंने सिलेक्शन किया CS वगैरह के, और जो ये कदम अब उठाया गया है सरकार द्वारा बहुत अच्छा, और इसमें हमारी ब्राह्मण जाति के अलावा सभी जातियों का मान बढ़ा है क्योंकि वो सभी जाति को मान देते हैं। भगवान परशुराम जन सेवा समिति जो है सभी जातियों के लिए बनी है और वो केवल मतलब ब्राह्मण जाति के लिए नहीं, कोई पूर्व सैनिकों के लिए भी एक बड़ा बहुत ही फख्र की बात है कि उनको एक राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और हमारी भगवान परशुराम जन सेवा समिति की तरफ से जितने भी या सर्व जाति लोग आए हैं सबका धन्यवाद भी करता हूं। हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।